कैसी लगी आपको चाय? अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिक टेस्ट है, डिफरेंट है, बहुत सही टेस्ट आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? होप सो सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज मैंने सोचा कि एक तो मैं थोड़ी सी रूटीन आपके साथ शेयर कर दूं। रूटीन कुछ ख़ास नहीं है, बस ये कि मैंने आज क्या बनाया था और उसके अलावा मैंने मेन आपके साथ जो शेयर करना है ना वो मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रेड सॉस चिकन मिन्स्ड पास्ता मैंने बनाया था। मैंने स्पेगेटीज और मैक्रोनीज थोड़ी सी डाली थी और जो चिकन था वो मेरे पास मिन्स था। और ये मैंने बेक पास्ता बनाना था लेकिन मैंने इसका एक स्टेप डन कर दिया था और ये सोचा था कि जब खाना होगा ना तो फिर मैं उसका दूसरा स्टेप जो बेकिंग का है ना वो बाद में करूँगी। और बिलीव मी कि ये जो रेड सॉस पास्ता बना था ना, मतलब ये वाली जो इसकी फिलिंग बनी थी ज़बरदस्त बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और एक्चुअली इसके साथ ही मैं दाल भी बना रही थी जो कि हमने राइस के साथ खाने थे लंच में। तो लंच ही करने के बाद हम इतने फुल हो गए थे कि यही सोचा कि अब फ़िलहाल तो उसको नहीं खाना, डिनर में सोचेंगे। तो इस वजह से उसका मैंने जो सेकंड स्टेप था वो मैंने डन नहीं किया था, दाल रेडी हो गई थी, लंच कर लिया था। लेकिन ये बहुत मज़े का बना था, आप शक्ल से ही देख सकते हैं ना कितना जूसी जूसी सा लग रहा है पास्ता। और लंच करने के बाद हमने सोचा कि आज बनाएंगे रोस्टी। मैंने आपके साथ एक व्लॉग में शेयर किया था, हम रोज़ टी लेकर आए थे जिसमें मैंने आपको डिफरेंट वैरायटीज़ दिखाई थी, उसके अंदर से ये रोज़ टी भी थी। तो आज हमने सोचा कि फ़ाइनली उसको ट्राई करें। और जब आपको दिखाया था तब भी आपको कहा था कि आपके साथ शेयर करूँगी। सो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोज़ टी। पानी मैंने रख लिया है, मैंने 2 कप बनानी थी। और ये हैं प्यारी प्यारी सी खुशबूदार सी गुलाब की कलियाँ। बिलीव मी इतनी प्यारी खुशबू है इसकी, इतनी ज़्यादा कि अगर आप लेकर आए ना तो आपने इसको एयरटाइट जार में रखनी है। अब मैं 2 कप बना रही हूँ तो जैसे ही पानी में बॉयल आएगा ना तो मैंने ये जो रोस्टी है, ये जो गुलाब की ड्राइड कलियाँ हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और तकरीबन 4 से 5 आप इसके अंदर डाल दें, जब पानी में हल्का हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा ना तब आपने डालना है। अब इसी तरह से मैं पहले थोड़ा सा इसको पकाऊँगी और फिर मैं इसको कवर कर दूँगी। इतनी प्यारी इसकी खुशबू है कि आपने ना इसको ऐसे ओपन नहीं रखना, किसी भी चीज़ में रखना है ना आपने उसको ज़रा टाइट करके बंद करना है ताकि उसकी खुशबू जो है ना वो मध्यम ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तकरीबन उसको मैंने 5 मिनट ऐसे पकने दिया था, फिर मैंने फ्लेम को जो है ना वो ऑफ़ कर दिया था और दम पे रख दिया था। और अब मैं कप के अंदर डाल रही हूँ हनी, शहद, आप चीनी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून शहद ही डाल रही हूँ। मैंने सोचा कि चलें वहाँ पे कहवा जो है ना वो अपने लास्ट प्रोसेस में है। और ये देखें जी, बस 5 मिनट के लिए मैंने रखा है। और आपको मैं ये भी बताती चलूँगी, बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं होगा, बिल्कुल लाइट सा कलर इसका चेंज होता है, चाहे आप जितना मर्ज़ी पका लें। तो अब मैं डाल रही हूँ कप के अंदर गर्मा गर्म रोज़ टी। आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल पानी है या कलर इसका चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका जो फ्लेवर था और जो इसकी खुशबू थी वो आपको चिक चिक के बता रही थी कि ये रोस्टी है। और ये देखें जी, गर्मा गर्म रोस्टी का कप रेडी है। और खाना खाने के बाद इसको पीने का जो मज़ा आया लेवल है, मतलब आप अगर आपको ये अवेलेबल है कहीं पे आप ये ले सकते हैं तो आप ज़रूर इसको लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा।